स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदह बल्लाळस्तु विनायक स्वतमढे नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक ऐसे शो में जिसका एक पार्ट, पहला पार्ट हमने कल देख लिया। आज उसी शो का दूसरा पार्ट, और ये वो शो है जो हमारे ग्रुप गोल्डन ग्रेट्स ने करीबन 15 साल पहले मुंबई के एक ऑडिटोरियम में पेश किया था। वो हमारे ग्रुप का 50वां शो था, 50th गोल्डन जुबली शो। इसलिए वो शो हमने दो पार्ट्स में किया था, दो दिन लगे, 19 फरवरी 2005 और 20 फरवरी 2005। उसमें हमारा कंसेप्ट ये था कि वी पिक्ड अप सम लवली सॉन्ग्स, जिसे हम ग्रेट मेलेडीज कहेंगे, ऑफ द गोल्डन एरा, 30s, 40s, 50s, 60s के गाने लिए थे। जो एरा, जो दौर हम कहेंगे, सुनहरा दौर था ऑफ द गोल्डन एरा। ये दो शोज जो हमने पेश किए, उसमें पहले दिन हमने सब फीमेल्स को पेश किया सोलोज गाते हुए। उसके बाद हमने सब मेल्स को पेश किया मेल सोलोस गाते हुए, और बाद में दोनों को मिलाकर कुछ ड्यूएट्स पेश किए। तो कल के शो में आपने देखा कि शुरुआत में कुछ गाने फीमेल्स के थे, चाहे फीमेल सोलोस हो, ड्यूएट्स हो, और बाद में वो गाने हमने पेश किए जो ड्यूएट्स थे, जिसके लिए कुछ मेल्स भी आए साथ में। आज हम फर्स्ट पार्ट में मेल्स के सोलोस पेश करेंगे, और उसके बाद उनके ड्यूएट्स कुछ फीमेल्स के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे
इस सेकेंड पार्ट ऑफ अ लवली शो ऑफ द गोल्डन एरा, वही पुराना दौर जिसे हम गुजरा हुआ ज़माना कहते हैं, एक पर्टिकुलर थीम लेकर आपके सामने आए हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से, जिस गीत से कल भी हमने हमारे शो की शुरुआत की थी। उस शो की शुरुआत प्लेबैक सिंगर उषा तिमोथी ने की थी इसी गीत से, जो गीत उन्होंने खुद फिल्म तकदीर में गाया था। यही गीत रफ़ी साहब ने भी गाया है फिल्म तकदीर में। तो चलिए उसी गीत से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं हमारे कलाकार अनिल वाजपेयी को आपके सामने। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरे लबों पर हर एक सुर सजाया। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई। ओ देखी नजर ने खुशियाँ, या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। ये जो रफ़ी साहब का सोलो आपने सुना, उस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मैंने बताया 1967 की ये फिल्म थी। और आज के शो में पुराने गाने से शुरुआत करेंगे, 1967 तक ही रहेंगे और उस दौर के गाने एक के बाद एक पेश करेंगे। जैसे बताया, आज के लिए सब मेल सोलोस पहले पेश करते हैं, तो अगले सोलो के लिए
हम आपको ले चलते हैं 1937 की साल में। 1937 माने सोचे आज हम 2020 में हैं, करीबन 80 साल हो गए, 82 years to be precise। लेकिन फिर भी ये गाना इतने सालों बाद आज भी सुनने अच्छा लगेगा। कुंदन लाल सहगल को कौन नहीं जानता, उनका गाया हुआ गीत फिल्म प्रेसिडेंट से लिया है। इस फिल्म का नाम प्रेसिडेंट तो था ही, लेकिन जब शुरुआत हुई ये फिल्म तो उसका नाम दिया गया था बड़ी बहन। पॉपुलर हुई ये फिल्म खास तौर पर इसके गीत संगीत के लिए। संगीत आरसी बोराल और पंकज मल्लिक का था, ये नाम हम सब जानते हैं, एंड आई एम श्योर ये गाना भी सब जानेंगे। कई लोग सोचते होंगे कि 80 साल पुराना कौन सा गाना है जो हमने सुना भी होगा, लेकिन आई एम श्योर जब ये गाना आप सुनेंगे हमारे कलाकार सागर केंडुरकर से, तो आप भी उस दौर में चले जाएंगे जिसे हम गोल्डन एरा कहते हैं। चलिए सहगल साहब का ये गाना आपके लिए पेश करेंगे, सागर आपके लिए। बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज इसमें सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला चंदन का जंगला, सोने का बंगला चंदन का जंगला, विश्वकर्म के द्वारा, विश्वकर्म के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। इतना ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा, इतना ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, जिस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूला झूले चांद हमारा, भंडार हो लक्ष्मी के हाथों में सारा, भंडार हो लक्ष्मी के हाथों में सारा। हाय अब जी भर के सुख किसने भी पठाए, हाय अब जी भर के सुख किसने भी पठाए। थैंक यू। 1937 से चलते हैं 1948 की साल में।
सीधे 11 साल छोड़कर। राज कपूर की पहली फिल्म आग, जिसमें थे राज कपूर, नरगिस और कामिनी कौशल। इस फिल्म का एक गीत चुनते हैं जो मुकेश ने गाया राज कपूर के लिए। संगीत दिया था राम गांगुली ने और गीत के बोल लिखे थे बेहजाद लखनवी ने। चलिए मुकेश जी का ये सोलो सुनते हैं हमारे एक पुराने कलाकार उमेश वाजपेयी से आपके लिए। जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं, जिंदा हुए इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी। हुई है किसी से जुदा हुए, वो मुद्दतें हुई है किसी से जुदा हुए, लेकिन ये दिल की आग अभी तक बुझी नहीं, जिंदा हुए इस तरह के गमे आने को आ चुका था किनारा भी सामने, आने को आ चुका था किनारा भी सामने, खुद उसके पास ही मेरी नैया गई नहीं, जिंदा हूँ इस तरह के गमे होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, दिल का मुआमला है कोई दिल लगी नहीं, जिंदा हुए इस तरह के ये चांद ये हवा ये फजा सब है मंद मां, ये चांद ये हवा ये फजा सब है मंद मां, जब तू नहीं तो इनमें कोई दिलकशी नहीं, जिंदा हुए इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं, जिंदा हुए इस तरह के गमे जिंदगी नहीं। थैंक यू।
1948 के बाद चलते हैं 1955 में, एक और राज कपूर की फिल्म। लेकिन इंसिडेंटली इस फिल्म में राज कपूर खुद नहीं थे। फिल्म का नाम था बूट पॉलिश। इस फिल्म में जो हीरो थे वो थे डेविड, जिन्होंने कई फिल्मों में एज अ कैरेक्टर एक्टर काम किया है। एक छोटी बच्ची थी बेबी नाज, उन पर ये फिल्म बनी थी। एक जेल का सिचुएशन है, जेल में कुछ कैदी बैठे हैं और खुशी मनाते एक गाना गाते हैं, क्लासिकल टच वाला गाना है जो मन्ना डे की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ, पिक्चराइज हुआ डेविड और उनके साथियों पर। गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और ये हट के गाना जो है सुनेंगे हमारे एक कलाकार से जो एक वक्त सारे गामा में भी आए थे। उनका परिचय, नाम उनका मुकेश पंचोली। चलिए मन्ना डे का ये गाना सुनते हैं मुकेश से। लपक झपक लपक झपक लपक झपक la 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 pak japak la pak japak tu are badarwa la pak japak tu are badarwa sar ki kheti sukh rahi hai sar ki kheti sukh rahi hai बरस बरस तू गारे बदरवा लपक झपक तू लपक झपक तू आरे बदरवा बरस बरस तू गारे बदरवा लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू आरे बदरवा लपक झपक तू आरे बदरवा झगड़ झगड़ कर पानी ला तू अकड़ अकड़ बिजली बरसा तू झगड़ झगड़ कर पानी पनीनी पपनी पानी ला तू पानी ला तू पानी ला तू झगड़ झगड़ कर पानी ला तू अकड़ अकड़ बिजली बरसा तू तेरे घड़े में पानी नहीं तो तेरे घड़े में पानी नहीं तो पनघट से भर लारे बदरवा पनघट से भर लारे बदरवा पनघट से भर पनघट से भरला पनघट से भरला हाँ पनघट से भरला लबक झपक तू आरे बदरवा लबक झपक तू आरे बदरवा वन में कोयल कुकुटी है सबके मन में कुकुटी है वन में कोयल वन में कोयल कुकुटी है सबके मन में कुकुटी है
होटल से तूफान उगा दे, होटल से तूफान उगा दे, झटपट तो बरसार बदरवा, झटपट तो बरसार बदरवा, झटपट तो बर झटपट तो बरसा, झटपट तो बरसा, हाँ झटपट तो बर, लबक जबक तो अरे बदरवा। सर की खेती सूख रही है, सर की खेती सूख रही है, बरस बरस तू गारे बदरवा, लबक जबक तू, लबक जबक तू अरे बदरवा, बरस बरस तू गारे बदरवा, लबक जबक, लबक जबक, लबक जबक तू, लबक जबक तू अरे बदरवा, लबक जबक तू अरे बदरवा, लबक जबक तू अरे बदरवा, लबक जबक तू लबक जबक तू अरे बदरवा, लबक जबक तू अरे बदरवा, लबक जबक तू अरे बदरवा, बरसो बरसो जगड़ जगड़ कर बरसो, अगड़ अगड़ कर बरसो, बरसो 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 बरसो। ये फिल्म जो थी बूट पॉलिश, इसमें संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। मैंने बताया 1955 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। इसी साल में रुकते हैं 1955, एक और फिल्म लेते हैं, फिल्म का नाम बारादरी। इस फिल्म में अजीत और गीता बाली थे, लेकिन एक प्यारा सा गीत जो तलत महमूद ने गाया वो हम आपके सामने पेश करते हैं। और एक सवाल पूछता हूँ आपसे, कमेंट में आप लिखना कि ये जो गीत तलत महमूद का सोलो, वो फिल्म में कौन से एक्टर पर पिक्चराइज हुआ। इस गीत के बोल लिखे थे खुमार बारा बंकवी ने और संगीत था नौशाद का। डोंट कन्फ्यूज नौशाद विद नौशाद, नौशाद अलग थे सब जानते हैं, लेकिन उस वक्त नौशाद भी थे जो बाद में पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया काफ़ी कुछ अच्छे गाने भी दिए हैं। चलिए ये गाना सुनते हैं राणा चटर्जी से। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, नजरों से मिली नजरें मैं हो गया दीवाना, अब दिल के बहलने की तदबीर नहीं बनती,
नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ, मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये गाना कौन से एक्टर पर पिक्चराइज हुआ था फिल्म बारादरी में। हालांकि इस फिल्म में अजीत और गीता बाली थे, लेकिन सही जवाब ये है कि ये गाना पिक्चराइज हुआ था एक्टर चंद्रशेखर पर। चंद्रशेखर उस ज़माने के पॉपुलर एक्टर थे, कई फिल्मों में आए हीरो बनकर साइड रोल्स में, भूल नहीं सकते और ना ये गाना भूल सकते। 1955 के बाद चलते हैं 1957 की साल में, गुरुदत्त की एक फिल्म प्यासा, जिसमें गुरुदत्त के साथ थी माला सिन्हा और वहीदा रहमान, रहमान भी थे इस फिल्म में, और एक वेरी चार्जिंग नंबर जो हेमंत कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। इस फिल्म में संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने और गीत के बोल लिखे थे साहिल लुधियानवी ने। चलिए ये हेमंत दा का गाना एक और कलाकार से सुनते हैं जो उस वक्त उस शो में थे, उनका नाम अशोक चक्रवर्ती। प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जानी हो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी थी, गम की गर्द मिली, चाहत की नगमे जाए आए सर्द मिली, दिल को बुझ को ढूंढा जो हम खार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने हो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। छड़ गया
बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का सा, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का, हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जिन्हें प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी ले, लब आंसू पी लेंगे, जब घबराना कैसा गम सवार मिला, हमने तो जब कलियां कांटों का '57 का ये गीत था। अब चलते हैं 1960 की साल में और रफ़ी साहब का एक गाना चुनते हैं, समथिंग आउटस्टैंडिंग, कुछ अलग टाइप का ही कंपोजिशन है, SN त्रिपाठी का संगीत है। एक फिल्म बनी थी बहादुर शाह जफर के ऊपर, उनकी कहानी थी, फिल्म का नाम था लाल किला। इस फिल्म में जयराज और निरुपा रॉय थे। बहादुर शाह जफर ने खुद एक गीत लिखा था, वो गीत जो कंपोज किया SN त्रिपाठी ने आपके सामने पेश कर रहे हैं, और क्योंकि रफ़ी साहब का गाना है हम बुलाएंगे अनिल वाजपेयी को ये गाना पेश करने के लिए आपके लिए। के आँख का नूर न किसी के आँख का नूर न किसी के दिल का करार, जो किसी के काम ना सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ, न किसी के आँख का नूर हूँ, न तो मैं किसी का हबीब हूँ, ना तो मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो जड़ गया वो दया रहूँ, न
किसी की आंख का नूर मेरा रंग रूप बिगड़ गया मेरा यार मुझसे बिछड़ गया जो चमन खिजा से उजड़ गया मैं उसी की फसल बहार हूँ न किसी की आँख का नूर फातिहा कोई आए क्यों कोई चार फूल चढ़ाए क्यों कोई आके शम्मा जलाए क्यों मैं वो बेकसी का मजार हूँ किसी के आंख का नूर ऐसे रेयर गाने मुश्किल से सुनने मिलते हैं खास तौर पर ऐसे लाइव शोज में और जब भी होते हैं लोग इतना पसंद करते हैं ऑडियंस ने वंस मोर कहा और आपके सामने यहाँ भी हमने वंस मोर पेश कर दिया एक अंतरा तो अगले गाने की तरफ बढ़ने के लिए हम ले चलते हैं आपको 1961 की साल एक और रफ़ी साहब का गाना इसलिए एक बार और अनिल बाजपेयी आपके सामने दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना जो 1961 में रिलीज हुई वैजयंती माला और दिलीप कुमार थे एक सिचुएशन में एक अच्छा ही गाना जो काफ़ी पॉपुलर हो गया पेश कर रहे हैं आपके लिए भोजपुरी टाइप का सिचुएशन है गाना है शकील बदायूनी ने बोल लिखे और नौशाद साहब का संगीत ये गाना पेश करने के लिए आपको बताया हमने अनिल बाजपेयी गोरी गुजरिया से नेहा हमार होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार ओ लड़ जाई है तो मन वामा कसक होई वे करी प्रेम का चुट है पटाका तो धमक होई वे करी नैन लड़ जाई है तो मन वामा कसक होई वे करी हाय होय गवा मन मा मोरे तिरछी नजर का हल्ला होय गवा मन मा मोरे तिरछी नजर का हल्ला गोरी को देखे बिना गोरी को देखे बिना निंदिया ना वे हमका पास लगे हैं तो कर जवामा खटक होय वे करी पास लगे हैं तो कर जवामा खटक होय वे करी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाई है तो मन वामा कसक होई बे करी तई 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 थाक दिनक दिन थाक दिनक दिन थाक दिनक दिन थाक दिनक दिन था आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगे आँख
मिल जाई है सजनिया से तो ना जंग लग है। प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा भिगावन लग है। झांझ बज है तो कमरिया माँ लचक हुई वे करी, झांझ बज है तो कमरिया माँ लचक हुई वे करी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक हुई वे करी। प्रेम का दुख है पटाका तो धमक होई वे करी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई वे करी। ओए नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई वे करी। मन ले गई रे दो भैया रामा के साथ जाइदार के, मन ले गई रे दो भैया रामा के साथ जाइदार के। कैसा जादू डार के रे कैसा टोना मार के, मन ले गए रे दो बनिया रामा कैसा जादू डार के, मन ले गए रे दो बनिया रामा कैसा जादू डार के। रफ़ी साहब के ये दो गानों के बाद अब हम आपको सुनाएंगे महेंद्र कपूर का गाया हुआ एक गीत। 1963 की साल में चलते हैं और एक ऐसी फिल्म जिसमें थे अशोक कुमार, माला सिन्हा और सुनील दत्त। आपको याद होगी ये फिल्म गुमराह। गुमराह में रवि साहब का संगीत था और साहिर लुधियानवी ने बोल लिखे इस गीत के लिए जो महेंद्र कपूर ने गाया। यहाँ पर आपके लिए हम पेश करेंगे संजय सावंत को। ये गाना सुनते हैं संजय से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए, मेरे हमराह भी रुसवाया है मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाया है मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से
अजनबी बन जाए हम दोनों। तारफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। महेंद्र कपूर के इस गीत के बाद फिर से एक गीत सुनते हैं जो रफ़ी साहब ने गाया, और ये गाना मैं क्या बात कहूँ, ये फिल्म का नाम लेते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें 5 सोलोस थे रफ़ी साहब के, और हर एक सोलो सुपरहिट हो गया। यहाँ तक कि इस फिल्म को बेस्ट म्यूज़िक बेस्ट सिंगिंग का अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड। 1964 की फिल्म दोस्ती की बात कर रहा हूँ, सुधीर कुमार और सुशील कुमार की दोस्ती इस फिल्म में क्या रंग लाई कि इनके गाने आज भी सब गाना चाहते हैं, भूल नहीं सकते। मजरू सुल्तानपुरी ने बोल लिखे इस गीत के लिए, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का अवार्ड विनिंग संगीत। चलिए फिर से बुलाते हैं अनिल को, अनिल वाजपेयी आपके लिए ये गाना पेश करते हैं। भी कदम है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कह तू कहीं भी, कह तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरे राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। जुदा तो होते हैं वो होठ जिनकी चाह, कदम है वो तेरी राह में है।
के तो कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। छुपा हुआ सा मुझी में है तू कहीं तेरे राह में है। के तू कहीं भी के तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरे राह में है। तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है।1964 की साल में ही रुकते हैं और एक फिल्म लेते हैं जो बनाई किशोर कुमार ने। इस फिल्म में संगीत भी उन्होंने दिया किशोर कुमार ने और एक गाना भी सोलो उन्होंने ही गाया जो अपने आप पर पिक्चराइज हुआ। फिल्म का नाम था दूर गगन की छाँव में। इस गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और ये प्यारा सा सोलो किशोर कुमार का आपके सामने पेश करेंगे हमारे और एक कलाकार संदीप शाह आपके लिए। मेरे बिछड़े साथ सहारे हाय कहाँ गए हाय कहाँ गए। आँखों के उजियारे मेरी सूनी रात के तारे हुए दिन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छीन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। महल मेरे सपनों के नगर पिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर
मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, बिलिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर, आज मैं ढूंढू कहाँ खो गए जाने किधर, आज मैं ढूंढू कहाँ खो गए जाने किधर, बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पलकों, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। था हे मेरे साथ गई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई, मैं अकेला तो न था हे मेरे साथ गई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पलकों, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पलकों, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। थैंक यू। 1964 के बाद चलते हैं 1966 की साल में, और एक फिल्म जो बनाई लिरिक राइटर शैलेंद्र ने, शैलेंद्र के फेवरेट राज कपूर ही थे, इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर को लिया और साथ में लिया वहीदा रहमान को, शंकर जयकिशन का संगीत और एक प्यारा सा गीत जो गाया मन्ना डे ने इस फिल्म में सपोर्टेड बाय कोरस। इनफैक्ट ये गाना पिक्चराइज हुआ था एक कैरेक्टर एक्टर कृष्ण धवन पर, सपोर्टेड बाय कोरस, और ये इंटरेस्टिंग भोजपुरी टाइप का गाना आपके सामने पेश करेंगे हमारे एक और कलाकार अमय दाते। अमय सपोर्टेड बाय कोरस आपके सामने ये गाना लेकर आएंगे फिल्म तीसरी कसम से। मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चल तुम मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, हाँ चल तुम मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चल तुम मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, रामा उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चल तो मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चल तो मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। Oh, 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 oh.
उड़ उड़ बैठी बजजवा दो कनिया, उड़ उड़ बैठी बजजवा दो कनिया, रामा उड़ उड़ बैठी बजजवा दो कनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चल तो मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चल तो मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कनिया, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कनिया, रामा उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे बिंदड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे बिंदड़े वाली, हाँ चल तो मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चल तो मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चल तो मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। 1966 के बाद चलते हैं 1967 की साल, मन्ना डे साहब का एक और गाना सुनते हैं, प्रोबेबली द बेस्ट रेंडिशन ऑफ मन्ना डे इन हिंदी फिल्म्स, उनके टॉप 5-10 गीतों में गिना जाता है। जिस फिल्म का ये गाना लिया हमने, उस फिल्म का नाम उपकार, मनोज कुमार की फिल्म। प्राण जो इसमें थे एक कैरेक्टर रोल में, उन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। गाने के बोल लिखे इंदिवर ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। ये गाना आपके सामने पेश करेंगे, फिर से एक बार बुलाएंगे संजय सावंत को आपके लिए। हस्मी वादे प्यार बफा सब
Thank you very much. Thank you. Thank you. अगले दो तीन सोलोस के लिए हम चलेंगे 70s में। 1971 की एक फिल्म आनंद, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, आपको ये फिल्म याद होगी। सलिल चौधरी का संगीत, योगेश गौड़ के बोल और मन्ना डे की आवाज़,
इस सुपरहिट गाने के लिए। ये गाना आपके सामने पेश करेंगे सागर केंदुरकर आपके लिए। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तुम्हें देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों के आगे, कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुन कर खामोशी यूं ही चले जाए अकेले, कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी अब तक हमने काफी पॉपुलर मेल प्लेबैक सिंगर्स के गाने सुने, जैसे साइगल, मुकेश, तलत महमूद, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मन्ना डे। इन सारे सिंगर्स के गाने सुनने के बाद एक और गाना हम सुनेंगे जो गाया के जे येसुदास ने। येसुदास का ये गीत हमने लिया है फिल्म स्वामी से। स्वामी में थे गिरीश कर्नाड, शबाना आज़मी, विक्रम और धीरज कुमार।
ये जो क्लासिकल टच वाला गाना येसुदास का पिक्चराइज हुआ था धीरज कुमार पर, आपको याद होगी ये फिल्म स्वामी। चलिए ये गाना सुनते हैं हम अमय दाते से आपके लिए। का करूं सजने आए न बालम, का करूं सजने आए न बालम, खोज रही है परदेसी अखियां, खोज रही है पिया परदेसी अखियां, आए न आलम का करूं सजने आए न आलम। आहट होए मनवा मोरा भागे, देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे, है मतवारे प्रीत हमारे छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए, सावन हो तुम मैं हूँ तोरी बदरिया, आए न बालम का करूँ सजने आए न बालम।
स्वामी का ये गाना जो हमने सुना, येसुदास का गाया हुआ, वो लिखा था अमित खन्ना ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। चलिए इसके बाद बारी है ड्यूएट्स की, और ड्यूएट्स के लिए हम सारी फीमेल सिंगर्स को भी बुला लेते हैं जिनको आपने कल सुना था फीमेल राउंड में। मेल राउंड के बाद अब ड्यूएट राउंड आज का जो शुरू करें, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा 1938 की साल में, एक फिल्म जिसमें थे साइगल, पंकज मल्लिक और उमा शशि। इन तीनों पर पिक्चराइज किया हुआ, इन तीनों का गाया हुआ एक ट्रिपलेट आपके सामने पेश कर रहे हैं। फिल्म का नाम था धरती माता। इस गीत के लिए बोल लिखे थे पंडित सुदर्शन ने और संगीत था पंकज मल्लिक का। आपके सामने ये ट्रिपलेट पेश करेंगे सागर केंदुरकर, राणा चटर्जी और मृदुला देसाई। सुनते हैं ये पुराना गीत। दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। ये दुनिया एक सुंदर बगिया, शोभा इसके नारी है। ये दुनिया एक सुंदर बगिया, शोभा इसके नारी है। हर नारी पर जादू छाया, हर नारी पर जादू छाया, हर नारी मतवारी है। अद्भुत पंछी फूल मनोहर, अद्भुत पंछी फूल मनोहर, कली कली चटकीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले, दुनिया रंग रंगीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले। बाबा,
अगले ड्यूएट के लिए हम सीधे चलते हैं 1951 की साल में, राज कपूर की फिल्म आवारा। इस फिल्म में एक ऐसा सिचुएशन था जिसको हम एक ड्रीम सीक्वेंस कहते हैं, पॉपुलर हुआ ड्रीम सीक्वेंस के नाम। इसमें एक गाना जो लता मंगेशकर और मन्ना डे ने साथियों के साथ गाया, इसका ऑर्केस्ट्रेशन कमाल का था। और कहते हैं ये गाना करीबन 9 मिनट का था। ये प्यारा सा गाना जो पिक्चराइज हुआ फिल्म के हीरो और हीरोइन राज कपूर और नरगिस पर, आपके लिए पेश करने बुलाएंगे हम संगीता मेलेकर और अमय दाते को। चलिए सुनते हैं फिल्म आवारा का ये गीत आपके लिए।
ना चाहिए मुझको गीत मुझको फूल मुझको प्रीत चाहिए मुझको चाहिए बहार मुझको चाहिए बहार मुझको चाहिए बहार मुझको चाहिए बहार अगले ड्यूएट के लिए हम चलते हैं 1963 की साल में मनोज कुमार और माला सिन्हा की एक फिल्म सेलेक्ट करते हैं फिल्म का नाम हिमालय की गोद में और इस ड्यूएट की खास बात यह है कि रफ़ी साहब ने जिस फीमेल प्लेबैक सिंगर के साथ ये ड्यूएट गाया वो फीमेल प्लेबैक सिंगर आज हमारे साथ है और वही ये ड्यूएट गाएंगी आप जान गए कल भी हमारे साथ थी और शुरुआत ही हमने उनके गाए हुए गाने से की थी तकदीर का गाना जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए
मुझे तुम याद आए, ये उनका गाया हुआ गाना। लेकिन उस गाने से पहले उनको जो मौका मिला वो था ये ड्यूएट गाने का रफ़ी साहब के साथ। मैं बात कर रहा हूँ उषा तिमोथी की। कल्याण जी आनंद जी का संगीत और आनंद बख्शी के बोल, ये प्यारा सा ड्यूएट उषा जी खुद गाएंगी हमारे कलाकार अनिल वाजपेयी के साथ। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा ड्यूएट इन दोनों से। प्लेबैक में गाना यानी कि अपने आप को बहुत तैयार करना पड़ता था और मैं बहुत छोटी सी थी और ये भी नहीं जानती थी कि मैं रफ़ी साहब के साथ गाऊंगी, माला दीदी के लिए, माला सिन्हा जी के लिए प्लेबैक दूंगी और इतनी बड़ी बड़ी आनंद बख्शी साहब ने गाना लिखा, कल्याण जी भाई, सभी बड़े बड़े महान कलाकार थे और मैं बिल्कुल छोटी सी राई के दाने की तरह कुछ भी नहीं जानती थी कि मैं ये गीत गाऊंगी और ये गीत मेरा इतना सुपर हिट होगा। बस साहब ने मुझे कहा कि बेटा तुमको गाना है, तुम अच्छा गाती हो, मैंने कल्याण जी भाई से बात की है और उन्होंने मुझे रिहर्सल पर बुलाया और मुझे सिर्फ एक लाइन दिया गया था क्योंकि सभी मेरा ट्रायल लेना चाहते थे कि मैं ठीक गा रही हूँ या नहीं। और मैंने गाना गीत शुरू किया, बहुत रिहर्सल वगैरह करके माइक पे जब मैं गई तो मैं बहुत कांप रही थी, बहुत डर रही थी कि इतने बड़े बड़े महान कलाकारों के साथ पता नहीं मैं टिक पाऊंगी या नहीं। हालांकि मुश्किल से मैंने वो गीत गा लिया। रफ़ी साहब पूरे समय मेरे सर पर हाथ रखते थे और कहते थे तुम अच्छा गाती हो और देखो तुम गाओगी, बहुत अच्छा गाओगी। मुझे पता है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि तुम अच्छा गाओगी। और रफ़ी साहब ने मुझे इतना इनकरेज किया, मेरा हाथ पकड़कर, मेरे सर पर हाथ रखकर पूरे समय कहते रहे कि नहीं तुम अच्छा गाओगी। और मैंने वो जो एक लाइन मुझे मिली थी, मैंने एक लाइन गाया और वहाँ से विजय भट्ट जी जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे उन्होंने कह दिया नहीं ये लड़की पूरा गाना गाएगी। माला सिन्हा जी रिकॉर्डिंग पर आई थी, मनोज कुमार जी आए थे और उन्होंने कहा नहीं ये ही गाएगी। और इस तरह से वो गीत मैंने पूरा गाया। हीरिए हैं तो रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला। ओ तो रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला। मेरी जिंदगी कट जाए ना मेरी जिंदगी, ओए तेरी कल परसों में कट जाए ना मेरी जिंदगी, ओए तेरी कल
परसों में जो बिखरी तो तेरी जुल्फ जो बिखरी तो लेके बिन सवेरे आ गए जुल्फ जो बिखरी तो लेके बिन सवेरे आ गए रफ़ी साहब के साथ का ये ड्यूट उषा तिमोती जी का गाया हुआ हमने सुना। इस गीत से पहले जो कुछ दो बातें उषा जी ने कही वो भी हमने सुनी, अच्छा लगा। और अच्छी बात तो ये कि हमारे साथ खुद वो हमारे 50th गोल्डन जुबली शो में थी और आज भी उनके आशीर्वाद हमारे ग्रुप के साथ ही हैं। तो चलिए अगले ड्यूट की तरफ बढ़ते हैं। वही साल 1963, जॉय मुखर्जी और आशा पारेख की फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ म्यूज़िकल हिट थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का फुट टैपिंग म्यूज़िक, रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़। आपके सामने ये ड्यूट पेश करेंगे अनिल वाजपेयी और संगीता मेरेकर। दूर बहुत मत जाइए लेके करार हमारा, ऐसा ना हो कोई लूट ले प्यार मेरा हमारा। पास रहो या दूर तुम हो साथ हमारे, देख
नाजनी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हसी है किधर का इरादा तेरा। नाजनी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हसी है किधर का इरादा तेरा। आँख मुड़ती हुई जुल्फ उड़ती हुई, फासला क्यों है ज्यादा तेरा। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। तू ही मेरा है लेकिन सनम, साथ में है किसी अजनबी के कदम। हम सफर तू ही मेरा है लेकिन सनम, साथ में है किसी अजनबी के कदम। मेरी उलझन यूं ही बेसबब तो नहीं, दिल की बेताबियों की कसम। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे यार को। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जान जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को।1963 के बाद चलते हैं 1967 की साल में, और एक सुपरहिट फिल्म सुनील दत्त और नूतन, फिल्म का नाम मिलन। मिलन का एक ड्यूएट हमने चुना है जो मुकेश जी ने गाया लता जी के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के बोल। ये प्यारा सा ड्यूएट जो पिक्चराइज हुआ सुनील दत्त और नूतन पर आपके सामने पेश करेंगे हमारे कलाकार उमेश वाजपेयी और संगीता मेड़ेकर आपके लिए। आ, 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 आ,
युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे हम तुम जग में जीवन साथी बन के आते रहे सजा सजना हर बार तुमने मांग भरी तुमने ही पहनाए कंगना हम फूल बने या राख हुए पर साथ नहीं खुदा अपना हर बार तुम्ही तुम आन बसे आँखों में बन के सपना हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं गाते रहेंगे हम तुम बादल गगन पे छाए बिजली से डर गए तुम डर कर करीब आए फिर क्या हुआ बताओ बरसात थम न जाए बरसात थम न जाए युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं गाते रहेंगे हम तुम 67 के बाद चलते हैं 1971 की साल में और एक किशोर कुमार की फिल्म सिलेक्ट करते हैं एक प्यारे से ड्यूएट के लिए जो किशोर कुमार ने ही गाया सुलक्षणा पंडित के साथ हम सब जानते हैं सुलक्षणा पंडित वॉज एन एक्ट्रेस और साथ में सिंगर भी थी ये प्यारा सा ड्यूएट जो किशोर कुमार की फिल्म के लिए गाया ये पिक्चराइज हुआ था उनके बड़े भाई अशोक कुमार और फिल्म की हीरोइन तनुजा पर इस फिल्म में तीनों थे अशोक कुमार किशोर कुमार और तनुजा इस गीत का संगीत भी कंपोज किया किशोर कुमार ने खुद ने गीत के बोल लिखे थे इरशाद ने और ये प्यारा सा ड्यूएट आपके सामने पेश करेंगे संदीप शाह और उषा तिमोथी जी चलिए ये टचिंग सेंटिमेंटल ड्यूएट सुनते हैं इन दो कलाकारों से आपके लिए ¶¶
करार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल अरे तू गाए जा, हो कोई मिलन का सुख से भरी सरगम का, युग युग के बंधन का साथ हो लाख जन्म का, ऐसे ही बहारे गाती रहे और सजते रहे वीराने जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने जिन्हें सुन के दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल। इस ड्यूएट राउंड के रादर इस शो के दो तीन गाने बचे हैं, तो चलिए थोड़ा सा मूड चेंज कर लेते हैं, कुछ ऐसे गाने सिलेक्ट करें जो कुछ धमाल वाले हो, कुछ पेपी हो, फुट टैपिंग हो। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं 1941 की साल में। 1941 में अशोक कुमार और लीला चिटनिस की एक फिल्म आई थी, इसका नाम था झूला। जो गाना हमने चुना है ड्यूएट, वो गाया था अरुण कुमार और रहमत बानो ने। फिल्म में ये पिक्चराइज हुआ था मुमताज़ अली और शायद करुणा देवी पर। मुमताज़ अली आप जानते होंगे, ही वॉज़ द फादर ऑफ महमूद। कॉमिक सिचुएशन थी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग गाना है, कई लोग शायद पहली बार सुनेंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ
कि आप जैसे ये गाना सुनेंगे, गाना पूरा होते होते आप इस गाने के साथ प्यार में पड़ जाएंगे, इतना पसंद आएगा आपको। इस फिल्म में संगीत दिया था सरस्वती देवी ने और गीत के बोल लिखे थे कवि प्रदीप ने। चलिए ये प्यारा सा ड्यूएट सुनते हैं हम सागर केंडुरकर और मृदुला देसाई से। मैं तो दिल्ली से दुल्हन लाया रे ए बाबूजी, मैं तो दिल्ली से दुल्हन लाया रे ए बाबूजी। मेरा बम्बई से बालम आया रे बाबूजी, ओ मेरा बम्बई से बालम आया रे बाबूजी। मैं तो दिल्ली से दुल्हन लाया रे ए बाबूजी। बेबी मेरी नाजुक सजन अल बेला, बेबी मेरी नाजुक सजन अल बेला, नए जमाने के मजनू और लैला, नए जमाने के मजनू और लैला, सोने में सुहागा मिलाया रे ए बाबूजी, सोने में सुहागा मिलाया रे बाबूजी। बाबूजी मैं हूँ सौदागर की छोरी, बाबूजी मैं हूँ सौदागर की छोरी, हाय सैया ने कर ली मेरे धन की चोरी। चोरी? कैसी चोरी? इसने गुपचुप मेरा दिल चुराया रे ए बाबूजी, इसने गुपचुप मेरा दिल चुराया रे बाबूजी, ओ मेरा बम्बई से बालम आया रे बाबूजी। बाबूजी इतनी अरज सुनो मोरी, बाबूजी इतनी अरज सुनो मोरी, अरे मैंने कल ही तो दिल्ली में इसके बाप का कर्जा चुकाया रे बाबूजी, इसके बाप का कर्जा चुकाया रे बाबूजी। मेरे बाप का नाम न लेना झूठों के सरदार, वरना कान पकड़ के दूंगी गाली 20,000। देखो देखो जी, देखो देखो जी, हर बार हमको छेड़ो ना बेकार, वरना मेरा भी गुस्सा सवाया रे बाबूजी, वरना मेरा भी गुस्सा सवाया रे बाबूजी। यारी मुनिया आओ आओ सारी बातें भूल जाओ, यारी मुनिया आओ आओ सारी बातें भूल जाओ, बोलो मेरी कसम बोलो मेरी कसम, हाँ तेरी कसम, तेरे भैया की कसम, तेरी अम्मा की कसम, तेरे बाप की कसम, गोल्डन ग्रेस की कसम, कौशिक भाई की कसम, नन्नू काका की कसम, आज मौसम सलोना आया रे बाबूजी, आज मौसम सलोना आया रे बाबूजी, आज मौसम सलोना आया रे बाबूजी, आज मौसम सलोना आया रे।1941 की साल से हम सीधे चलते हैं 1966 की साल में, और एक ऐसी सरप्राइज हम आपको देना चाहेंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। ये ड्यूएट राउंड है और एक ड्यूएट ही पेश करेंगे आपके लिए, लेकिन ये ड्यूएट गाने वाला एक कलाकार है, अ मेल सिंगर जो काफ़ी मुंबई में पॉपुलर है कई सालों से आज भी। सिंगर का नाम है साईराम। साईराम दो आवाज़ों में गाता है, आपने कई गाने उनके सुने भी होंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हमारे इस गोल्डन जुबली शो में स्पेशली वो आए थे और ये ड्यूएट उन्होंने पेश किया। इस ड्यूएट में आप देखेंगे कि हमारे मनोरिदा भी हैं, ये ड्यूएट का अरेंजमेंट मनोरिदा ने किया था अंडर द म्यूज़िक डायरेक्शन ऑफ राहुल देव बर्मन। मजरू सुल्तानपुरी ने बोल लिखे इस ड्यूएट के लिए,
जो गाया मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। फिल्म शम्मी कपूर और आशा पारेख की फिल्म तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल के सारे गाने हिट थे, लेकिन ये गाना तो कुछ गजब का है। चलिए सुनते हैं ये ड्यूएट साई राम से। आजा 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 आजा
आजा आजा आजा That's like it. आज के इस शो के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और जाते जाते एक गाना तो पेश करेंगे, लेकिन एक बात भी आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो आपको सब्सक्राइब करना है, आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, आपके कमेंट्स जो आते रहते हैं हम ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ जवाब भी मिलेंगे, कुछ ऐसी कमेंट्स हो जिस पर जवाब देना ज़रूरी हो जाए, और साथ में ऐसे ही झूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे। अगला शो कुछ तय नहीं हुआ है अब तक, लेकिन जल्द ही जैसे डिटेल्स फाइनलाइज हो जाए आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। तो चलिए जाते जाते एक ऐसा गीत सुनते हैं जिसमें काफ़ी कलाकारों ने आवाज़ दी है अपनी, और यहाँ पर हमारे शो में सारे कलाकार जिसे आप स्टेज पर देख रहे हैं वो मिलके ये गाएंगे। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया, 1957 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। कल भी हमने इस फिल्म का एक गाना सुना और मैंने आपको बताया कि दिस वॉज द फर्स्ट फिल्म दैट वॉज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स। इतनी सुपरहिट फिल्म हो गई कि इसका ये ग्रुप सॉन्ग, रादर हमने दो गाने साथ में ले लिए, दोनों ड्यूएट्स, पूरे ड्यूएट्स एक के बाद एक एज अ मेडली आपके सामने पेश होंगे। तो चलिए जाते जाते आपसे विदाई ले और जल्द मिलने का वादा करके नमस्कार। दुख भरे दिन बिछड़े भैया अब सुख आयो रे, दुख भरे दिन बितरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में दया लायो रे, ओए होए दुख भरे दिन बितरे भैया बितरे भैया। गौरी मन की बिना रिम झिम रुत छाई, छेड़ ले गौरी मन की बिना रिम झिम रुत छाई, घटा गिर के आई ओ, 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 प्रेम की गागर लाए बादल बेकल मोरा जिया होए, प्रेम की गागर लाए बादल बेकल मोरा जिया होए, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में दया लायो रे, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में दया लायो रे।
मधुर मधुर मन वगाए अपने भी दिन आए ओ मधुर मन वगाए सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए ओ मधुर मन वगाए ओ आज तो जी भर नाच ले पागल गल में जाने रे क्या होए आज तो जी भर नाच ले पागल गल में जाने रे क्या होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख लायो रे रंग जीवन में नया लायो रे दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख लायो रे रंग जीवन में नया लायो रे दुख भरे दिन भी तेरे भैया भी तेरे भैया छटपट करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए पर कर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे जिया उड़ा जाए लड़े आँक रे हाय जिया उड़ा जाए लड़े आँक रे हाय गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे डगरिया ना कर ऐसी बतियां ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां ओ सोने सब लुगवा कटे नाक रे गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाक रे ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाक रे जिया उड़ा जाए लड़े आंख रे हाय गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाक रे खटपुट करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए पर पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाथ रे ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाथ रे ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाथ रे ओ